तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में पेपर प्लेट बिजनेस हर कोई करने के बारे में सोच रहा है और ज़्यादातर लोग पेपर प्लेट मशीन सिंगल डाई ही लेना पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पेपर प्लेट सिंगल डाई मशीन में एक घंटे में कितना पीस निकलता है, एक मिनट में कितना पीस निकलता है? क्योंकि हम किसी से बात पूछते हैं ना कि भाई आप तो सिंगल डाई मशीन ले रखे हो, आपका एक घंटे में कितना पीस निकलता है? तो कोई हमें कहता है कि हमारा तो 2000 पीस निकलता है, तो कोई हमें कहता है 1500-1600 पीस निकलता है, और कोई हमें कहता है कि 1200-1300 पीस निकलता है। मगर हमें कोई एग्जैक्टली नहीं बता पाता है कि हमारा एक घंटे में या फिर एक मिनट में हमारा सिंगल डाई पेपर प्लेट मशीन कितना पीस निकाल देता है। और ना ही किसी को ये पता होता है कि हमारे पेपर प्लेट मशीन में कौन सा HP का मोटर लगता है, 1 HP लगता है या फिर 1.5 HP लगता है। क्योंकि हम भी कई मशीनों में देखे हैं तो 1 HP देखे हैं और कई मशीन में 1.5 HP देखे हैं। तो 1 HP और 1.5 HP में क्या अंतर है, तो आज हम इस वीडियो में ये भी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को ये सारी जानकारी देने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक में बने रहें और बिना स्क्रिप्ट किए हुए इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आप लोग के लिए पेपर प्लेट बिजनेस की पूरी सच्चाई बताने वाले कि इसमें फेक क्या है और हकीकत क्या है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें, ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप लोग भी पेपर प्लेट बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आप लोग को इस बिजनेस रिलेटिव किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो के लास्ट तक हमें बने रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पेपर प्लेट मशीन सिंगल डाई मशीन में एक घंटे में कितना पीस निकलता है और उसका एग्जैक्टली काउंटिंग कितनी है। तो देखिए, यदि हम लोग पेपर प्लेट मशीन स्टार्टिंग में लेते हैं और उसमें जो पुल्ली हमारी लगी मोटर में सेट होके आती है, वो आपको एक घंटे में 1320 पीस निकाल कर देगा। विश्वास नहीं होता है तो आप काउंटिंग करके देख सकते हैं, या फिर आपको एक घंटे में कितना पीस निकलता है ये काउंटिंग करने से बढ़िया है आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपका एक मिनट में कितना पीस निकलता है। तो हम आपको बता दें कि एक मिनट में आपका 22 पीस या फिर 21 पीस निकलेगा, 21 से 22 पीस निकलेगा, और यही आपको घंटे में 1320 पीस या 1315 पीस निकल सकता है। ये इतने कन्फर्म है, हम काउंटिंग करके देख चुके हैं। और जो लोग बोलते हैं कि हमारे मशीन में घंटे में 2000 पीस निकलता है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं पता है आप लोग को? जब हम मोटर में पुली चेंज कर देते हैं ना, जो हमारा छोटा पुली होता है 1 इंच का, तो उसमें हमारा 1320 पीस निकलता है। यदि हम मोटर में से वो पुल्ली निकाल के और मार्केट से हम 2.5 इंच का पुल्ली ले आके उस मोटर में लगा देते हैं ना, तो हमारा वही पीस घंटे में 1320 पीस निकलेगा। तो इसीलिए घंटे में हमारा 2000 पीस निकलेगा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमारा 1320 पीस निकलता है, तो कुछ लोग कहते हैं हमारा 2000 पीस निकलता है। तो दोनों में ये फ़र्क हो जाता है, वो लोग अपने हिसाब से उस मशीन की स्पीड बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है मशीन का स्पीड बढ़ाने का सिवाय पुल्ली की। तो ये तो आपका कंफर्म हो गया है कि आपका सिंगल डाई मशीन में एक घंटे में कितना पीस निकलता है। अब हम बात करते हैं मोटर का, कि मशीन में कौन सा HP का मोटर लगता है, 1 HP या फिर 1.5 HP। तो देखिए, पेपर प्लेट मशीन में दोनों मोटर लगता है, 1 HP भी और 1.5 HP भी। अब हम आपको बता दें कि फ़र्क क्या है दोनों में। देखिए, आपका 1 HP में भी मशीन चलेगा, माल निकलेगा, और आपका 1.5 HP में भी मशीन चलेगा, माल निकलेगा, दोनों में निकलेगा। बस ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस में संतुष्ट होते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ना 1.5 HP लगाने पे भी संतुष्ट नहीं होती है। अब वो लोग 1.5 HP हम क्यों लगाते हैं वो पता है आप लोग को? आप लोग पता है कि 1.5 HP का मोटर क्यों लगाया जाता है मशीन में? क्योंकि उससे आपकी बचत होती है, आपका बिजली बिल का बचत बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारा मशीन 1 HP भी चलता है और 1.5 HP में चलता है। जब हमारा मशीन दोनों HP में चलता है, तो क्यों ना हम 1.5 HP में मोटर लगाएं, जिससे आपकी बिजली बिल की बचत हो और आपका पैसा का भी बचत हो। और वही हम 1 HP लगाते हैं, तो उसमें आपका प्रति घंटे
2 यूनिट उठाता है 1 घंटे में 1 HP का मोटर, और वहीं पे हम 1/2 HP का मोटर लगाते हैं तो प्रति घंटा आपका 1 यूनिट उठाता है, यानी कि आपका 8 घंटे मशीन चलाते हैं तो 1/2 HP आपको 8 यूनिट उठा के देगा, और वही आप 1 HP मोटर लगाते हैं तो आपको प्रति घंटा 2 यूनिट हिसाब से 8 घंटे में 16 यूनिट उठाएगा, यानी आपका खर्चा डबल हो जाता है बिजली बिल पे। अब देखिए, आपको ये जानने की ज़्यादा उत्सुकता होगी कि इस मशीन को चलाने के लिए कौन सा बिजली की आवश्यकता होगी, घरेलू बिजली या फिर कमर्शियल बिजली। तो देखिए, आप इस मशीन को अपने घर की बिजली पर चला सकते हैं, जिसमें आपको जो टीवी पंखा चलाते हैं आप उस बिजली पे आप ये मशीन का यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका ये मशीन घरेलू बिजली पे तभी चल सकता है जब आपकी अर्थिंग मजबूत होगी, क्योंकि इस मशीन में पावर बहुत ज़्यादा खींचता है और इसका अर्थिंग मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि आप लोग इस मशीन को घरेलू मीटर पे चलाना चाहते हैं तो आप लोग को ठंडा गर्म तार पोल पे से लेना होगा, तभी आपका ये मशीन घरेलू मीटर पे चल सकता है, नहीं तो नहीं चल पाएगा। और बहुत सारे लोग इसी चक्कर में परेशान हैं कि यार, कुछ लोग कहते हैं कि आप इसमें घरेलू मीटर पे चला सकते हैं, लेकिन जब हम मशीन लेके आते हैं तो हमारा चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? इसी कारण से, आप लोग की अर्थिंग मजबूत नहीं है इसलिए आप लोग का मशीन नहीं चल पाता है। और यहीं आप ठंडा गर्म तार आप पोल पे से लेते हैं जिसकी अर्थिंग मजबूत हो, तो आपका ये घरेलू मीटर पे मशीन चल जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप लोगों की मशीन से किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।